हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि आप अपने फील्ड्स में अपना बेस्ट दे पाएँ। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का टॉपिक है डी स्केलिंग। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था डी स्केलिंग के ऊपर, जिसमें मैंने आपको डिटेल में डी स्केलिंग के बारे में बताया था, सर्कुलेशन, रॉडिंग, फ्लशिंग, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। उसी को देखते हुए मैंने जो पार्ट या जो बातें उस वीडियो में छूट गई थी, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि डी स्केलिंग के पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीज़ें करनी होती है और डी स्केलिंग की प्रोसेस जब हो रही होती है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर ये एक 100 TR के चिलर है जिसमें हमने डी स्केलिंग लगा रखा है। तो जल्दी जल्दी से एक बार मैं आपको उसका सेटअप दिखा देता हूँ, उसके बाद हम और इससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आप ये सामने देख पा रहे हैं, एक छोटा सा सेटअप लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें एक यहाँ पर एक पंप है जो कि पानी को थ्रू करेगा प्रेशर से, और एक यहाँ पर आपका केमिकल टैंक या वाटर टैंक है, जिसमें हम केमिकल और वाटर के रेशियो को मिलाते हैं और इसी से जो केमिकल और वाटर का रेशियो है वो इस कंडेंसर के अंदर जाता है। साथ के साथ कुछ पाइपिंग के कनेक्शंस हैं जो कि मोटर और केमिकल टैंक और कंडेंसर को आपस में जोड़ते हैं। साथ में एक केमिकल कैन रखी हुई है। तो इससे पहले मेरे को कई सारे कमेंट आते हैं कि सर आप कौन सा केमिकल यूज़ करते हो, किस टाइप का रेशियो यूज़ होना चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए केमिकल का। तो ये सारा डिपेंडेबल है। डिपेंडेबल का मतलब अगर जिस टाइप का आप सिस्टम यूज़ करते हैं वो कितना बड़ा है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, उसी के साथ साथ किस टाइप का मेटल या मटेरियल का यूज़ करते हैं कंडेंसर के अंदर, क्योंकि कई सारी ट्यूब्स आती हैं, कहीं पर कॉपर यूज़ होती है, कहीं पर ब्रास यूज़ किया जाता है और कहीं पर एल्यूमिनियम, स्टील और बहुत सारी अलग अलग मटेरियल्स होती हैं जो कि अलग अलग जगहों पर यूज़ करी जाती है। और साथ के साथ कैपेसिटी का भी बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, जिसके वजह से जो केमिकल की हार्डनेस है, पीएच है, वो क्या होता है, वेरी करती है। तो केमिकल के बारे में किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो क्या इंपॉर्टेंट रखता है केमिकल सर्कुलेशन में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपका केमिकल की हार्डनेस ज़्यादा है तो मैं आपको कहूँगा जो पानी का परसेंटेज है उसको ज़्यादा रखिएगा, जिससे कि जो आपका अंदर कंडेंसर के अंदर ट्यूब्स हों उनको कोई डैमेज ना हो, क्योंकि आपको पता है जो केमिकल होता है बहुत ज़्यादा इरोजन या कोरोजन करता है, यानी कि डैमेज कर सकता है आपके ट्यूब्स को। इसलिए स्टार्टिंग में आप जितना ज़्यादा केमिकल कम यूज़ करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके कंडेंसर ट्यूब्स के लिए। तो ये तो बात की बातें हैं, इनको कभी और दूसरी वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा केमिकल और उसके पीएच और साथ के साथ उसके कॉन्सेंट्रेशन या सीओसी के बारे में। अभी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको सेटअप लगाना होता है और उससे पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कंडेंसर की ये लाइन है जहाँ से वाटर इंटर करता है और उस साइड से इसका एग्ज़िट है। तो आपको सबसे पहले इनके वाल को होल्ड करना होता है। जहाँ कहीं भी आप पहले इस तरीके के सेटअप को लगाते हैं उससे पहले आपको पानी को होल्ड करना होता है, क्योंकि अगर कंडेंसर के अंदर बाहर से पानी आएगा या ये केमिकल वाला पानी बाहर कॉमन लाइन में जाएगा तो दिक्कत बन सकती है। तो इससे पहले आपको इस तरीके से इन वाल्स को होल्ड करना होता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको दूसरी साइड का भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको होल्ड करना होता है वाल्स को, जिससे कि आपका ना तो पानी कंडेंसर के अंदर आए बाहर से और ना इसका पानी बाहर जा पाए। अगर कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर वाल्व्स होल्ड नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से इसके अंदर गैस्केट लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखी है, आप ही देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से गैस्केट लगा के आप इनको प्रॉपर तरीके से बंद कर सकते हैं, क्योंकि जब बटरफ्लाई वाल्व्स पुराने हो जाते हैं तो इनका जो होल्ड होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइमस्टोन भी जम जाता है, साथ के साथ इसकी जो बीच की प्लेट होती है वो क्या करती है, काम करना बंद कर देती है। और आप इस तरीके से गैस्केट लगा सकते हैं बीच में, जिससे कि पानी ऊपर ना जा पाए। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे जो वाटर और केमिकल का रेशियो है, अगर इस लाइन से होता हुआ ऊपर जाएगा तो आप यहाँ देखेंगे ये कॉमन लाइन है, इसी लाइन से दूसरी लाइन ये वाले सिस्टम में जा रही है। यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम भी लगा है जो मैंने आपको कल दिखाया था वीडियो में। तो ये दोनों लाइन एक कॉमन लाइन से कनेक्ट है, यहाँ पर ही आप देख पा रहे हैं कॉमन लाइन से कनेक्ट है, जो कि ऐसे जुड़ती है आपस में। तो इसका अगर पानी ऊपर की तरफ जाएगा, अगर बाय चांस, अभी तो यहाँ दोनों सिस्टम बंद हैं, बट अगर कहीं ऐसा हो कि अगर आपका एक सिस्टम चल रहा हो और दूसरे में आपको डी स्केलिंग की ज़रूरत हो,
तो आप क्या करोगे उस टाइम अगर बाल होल्ड ना हो, अगर बाल होल्ड ना हो और आपने सिस्टम चला दिया तो ये पानी इसमें से होता हुआ इस सिस्टम के अंदर चले जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और उसके बाद अगर ये पानी काफ़ी लंबे समय तक कंडेंसर के अंदर रहता है तो ये कॉपर ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, इसके अंदर एयर बनती है और साथ के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है कंडेंसर की ट्यूब्स को, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है। तो ये बातें किस तरीके से पता लगती है, क्योंकि कभी कभी ना आप अगर वाल्व्स को होल्ड कर भी देते हैं तो आपको पता नहीं लग पाता है कि वाल्व्स प्रॉपर होल्ड हैं या नहीं है, तो वो आपको पता लगेगा इस टैंक के थ्रू। इस टैंक में जब आप वाटर और केमिकल का रेशियो बनाएंगे या मिलाएंगे तो देखिएगा कि कहीं पानी कम तो नहीं हो रहा है, या जो रेशियो या जो आपने इसमें केमिकल और वाटर का रेशियो मिला रखा है, सॉल्यूशन मिला रखा है, वो कहीं कम तो नहीं हो रहा है। अगर उसकी मात्रा या जो क्वांटिटी है वो बार बार कम हो रही है, इसका मतलब आपका पानी इन लाइंस के थ्रू ऊपर को जा रहा है कॉमन लाइन की तरफ, तो वाल्व्स को अपने प्रॉपर तरीके से होल्ड कर लेना है। साथ के साथ आप केमिकल जब मिलाते रहते हैं तो आपको इसकी हार्डनेस का भी ध्यान रखना होता है। अब हार्डनेस को चेक करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आप इसमें से कुछ केमिकल को निकाल के एक मेटल के ऊपर या कहीं सूखी सरफेस, जैसे यहाँ पर एक सूखी सरफेस है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं जिससे कि आपको पता लग पाए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये केमिकल मैंने निकाला कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बबल्स बनते हैं। इसमें अभी देख पाएंगे इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है केमिकल का बहुत कम हो चुका है, इसलिए यहाँ पर पानी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है सरफेस के साथ। अगर इसमें केमिकल की मात्रा या हार्डनेस ज़्यादा होती तो यहाँ पर अभी बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते, झाग बनना स्टार्ट हो जाता। तो इस तरीके से आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। साथ के साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे एक मैंने अलग से इसके कवर के ऊपर एक पाइपिंग दे रखी है, ये एक आरओ का पाइप है। तो यहाँ पर से आप देखेंगे यहाँ पर एक कुछ मात्रा पानी की अलग से निकल रही है। तो ये जब भी आप केमिकल मिलाते हैं, जब सिस्टम में केमिकल रन कर रहा होता है केमिकल और वाटर का सॉल्यूशन, तो इसके अंदर जो रिएक्शन होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा क्या एयर क्रिएट होती है। ये जब रिएक्ट करता है लाइमस्टोन या चूना पत्थर की तरह, कंडेंसर के अंदर जो ट्यूब्स में चूना पत्थर होता है लाइमस्टोन होता है, तो केमिकल जब रिएक्ट करता है उसके साथ तो वहाँ पर रिएक्शन के वक्त बहुत ज़्यादा एयर या गैस बनती है, तो उस एयर को निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एयर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर प्रॉपर पानी नहीं जा पाएगा, वहाँ पर हवा रहेगी तो पानी प्रॉपर नहीं जा पाएगा, जिससे कि क्या होगा आपकी ट्यूब्स अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपने। आप अलग से इस तरीके से कहीं पर भी, अगर आपको यहाँ पर डेड था इसलिए मैंने यहाँ पर से एक पाइप कनेक्ट कर दिया और इस टैंक में डाल रखा है, आप चाहे तो यहाँ पर भी कई सारे डेड्स हैं यहाँ पर लगा सकते हैं, साइफन गेज होते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए डीस्केलिंग की प्रोसेस को और अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक साइफन है, इस पर लगा सकते थे जिससे कि एयर बाहर निकल पाए, और एयर का बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड बात, जब भी आप सर्कुलेशन करते हैं तो ये जो ट्यूब्स हैं कंडेंसर की ये बहुत लंबी हैं, इनकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबी है, जिस वजह से आपको इनका जो डायरेक्शन है फ्लो का डायरेक्शन है उसको चेंज करना होता है। इससे क्या होता है, इसे कहते हैं हम, इससे हो जाएगा आपका जो स्केल है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा या फूल जाएगा और बाद में वो अच्छे से बाहर निकल पाएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ से आपका आउट कर रखा है, अगर आप यहाँ पर से देखें यहाँ से पानी होता हुआ इस टैंक में आ रहा है, फिर इस टैंक से होता हुआ उस पाइप की तरफ उस साइड से जा रहा है। तो इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले मैंने उस साइड से पानी इस टैंक में लगाया था और इस टैंक से पानी इस साइड से जा रहा था, तो उल्टा करा हुआ था, और इसको चेंज करना इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आपका अच्छे से ट्यूब्स प्रॉपर तरीके से दोनों साइड से सही ही से साफ़ हो पाएँ, और जो आपका स्केल है वो प्रॉपर जो लेंथ है कंडेंसर की उसमें सारा लाइमस्टोन बाहर निकाल दे। तो कुछ इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि आप डीस्केलिंग की प्रोसेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं किसी कंडेंसर ट्यूब्स के लिए। तो बात करें केमिकल की, तो केमिकल एसिडिक भी हो सकता है, एल्कलीन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। कहीं पर कूलिंग टावर्स में कई जगहों पे आपका न्यूट्रलाइज़र भी डाला जाता है जिससे कि मिनरल्स को न्यूट्रल करा जा सके, और साथ के साथ कहीं पर एसिडिक प्रॉपर्टी का केमिकल यूज़ होता है, कहीं पर एल्कलीन प्रॉपर्टी का होता है। तो केमिकल के ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा इससे बात, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें थ्योरी पोर्शन है, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा और होमवर्क करना पड़ेगा उस पर, और उसके बाद में एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए केमिकल के रिगार्डिंग लेके आऊँगा जल्दी से।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो आपको अच्छा लगते हैं तो मेरे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।